आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप लोगों से कि मैं आप लोगों से अपनी खुशी शेयर करूँ, क्योंकि इसमें आपका पूरा हक बनता है। इस खुशी में आप मतलब पूरे भागीदार हैं। आप लोग के बिना ये खुशी मुझे नहीं मिल सकती थी, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं आज अपने यूट्यूब अर्निंग के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जो कि मेरी यूट्यूब अर्निंग आ चुकी है। तो मैं बताऊँगी आपको, पहले मैं पूरी जर्नी बताती हूँ अपने यूट्यूब पर कैसे आई, कब मतलब कितने दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, फिर कितने दिनों के बाद मेरी सैलरी आई, इस तरह का। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है मेरी यूट्यूब जर्नी। बहुत ज़्यादा होता है, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को बहुत टाइम के बाद मिलता है। तो भैया मुझे बहुत टाइम के बाद मिला है, क्योंकि मेरी किस्मत ना ऐसे ही है, बस धीरे धीरे ही गाड़ी चलती है। बट कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। मैं मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। कहते हैं ना कि जैसे जिसे बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है उसे मेहनत का पता नहीं चलता है कि मतलब कितनी उसको नहीं कि मैं कदर होती है इस चीज़ की। बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने यूट्यूब जर्नी का। यूट्यूब पे जब जितना मैंने मतलब यूट्यूब पर जो मैंने काम वगैरह किया है, इसका मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सच में बहुत मेहनत के बाद आज मैं सक्सेस हुई हूँ। तो आप लोगों का फिर से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए, हो सके तो उससे ज़्यादा सपोर्ट करिए, मुझे बहुत आगे तक ले जाइए। कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली के उसे एक लड़की को आना यूट्यूब पर और फिर अपना मतलब अपना काम करना, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मिला है मुझे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सुनी हैं लोगों की। कभी कभी तो इतना बुरा लगता था, मतलब लोग ऐसा बहुत कुछ बोल जाते थे कि या इससे अच्छा है कहीं जाके जॉब कर लो तो उससे ज़्यादा कमा लोगी, पता नहीं क्यों यूट्यूब पर पड़ी हुई हो क्या, ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों ने बोला है। बट मुझे कहते हैं ना कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी, और ना देखने के कारण आप लोग हैं, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगी, जिन्होंने कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाती थी। पहले सच बताऊँ तो बहुत जल्दी मुझे किसी की बातों का बहुत जल्दी बुरा लग जाता था। मैं सोचती मैं टेंशन ले लेती थी जब कोई मेरे बारे में कुछ बोलता था तो। बट अब तो खैर आदत सी हो गई है और अब तो इससे लड़ने की ताकत मिल चुकी है। अब तो खैर कोई कुछ भी बोल कर चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हम मुझे दिखता है तो बस क्या, मुझे मेरी मंजिल दिखती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। तो मेरा जो मैंने चैनल खोला था वो खोला था मैंने 2019 में, और जुलाई के टाइम पे खोला था मैंने, हाँ वही जुलाई अगस्त के टाइम पे समथिंग खोला था मैंने चैनल। और
मैंने और मेरी सिस्टर ने हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, हम यूट्यूब पे जब अपना चैनल बनाएंगे, सबको देखते थे। मैं ब्लॉगिंग पहले बहुत देखती थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमारा मन होता है ना एक दूसरे को देखे, यार वो ऐसा कर सकता है तो हम भी तो ये चीज़ कर सकते हैं। हम उनके वीडियोज़ देखते हैं तो जो वो कर रहे हैं वो जो हम डेली कर रहे हैं, क्यों ना हम भी इसका वीडियो बना रहे, हम भी दिखाएँ, इस टाइप से होता था मन में। और ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर मतलब आती है कि एक अर्निंग के लिए, इसमें जो नाम मिलता है, कितने लोग जानने लग गए यूट्यूब की वजह से। अगर हम जॉब कर दें, एक कंपनी में डेली आना जाना, ऑफिस में आना जाना, उतने लोगों में वो होता है ना कि उतने लोगों से जान पहचान बढ़ती है और उतने में ही सिमट जाती है ज़िंदगी। बट यहाँ पर आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपको हर दिन नए फ्रेंड, नए लोग जुड़ते जाते हैं, और उसे मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग जानते थे कि हाँ मुझे भी इतने लोग जानते हैं, मेरी भी यूट्यूब फैमिली इतनी है। तो इस टाइम पर मेरी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादा नहीं है, पर मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। इनका सपोर्ट बस ऐसे ही मिलता रहे तो बहुत है मेरे लिए। तो फिर हाँ, मैं बोल रही थी कि हाँ, मैंने 2019 में अपना चैनल ओपन किया था, और दिसंबर में, लास्ट दिसंबर 23 को मेरा चैनल रिव्यू के लिए गया था, जो कि आपको पता है कि हमें यूट्यूब की जब हमारे रिव्यू में चैनल जाता है उसके पहले हमें 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हमें करने होते हैं। तो मेरा 23 दिसंबर को पूरा कंप्लीट हो गया था, तो उस दिन मैंने रिव्यू के लिए भेजा था अपना चैनल। और 25 को, जो क्रिसमस वाले दिन, मेरा चैनल मोनेटाइज होकर आ गया। तो मुझे कहते हैं ना सेंटा का मुझे बहुत अच्छा से गिफ्ट मिला, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और न्यू ईयर से पहले ही मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। उसके बाद फिर शुरू होती है जर्नी की, मोनेटाइज हो गया और चैनल, पहला पड़ाव होता है हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने, वो हुआ। फिर होता है 4000 घंटे पूरे करने, वो हुआ। उसके बाद फिर होता है कि हमारा मोनेटाइज होना चैनल मोनेटाइज होकर भी आ गया। फिर होता है हमारा अगला पड़ाव कि हमें $10 करने होते हैं, और वो $10 अगर हम करेंगे तो हमारा जो है पिन आएगा। तो वो $10 बनने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, मेरा काफ़ी टाइम, क्योंकि व्यू अच्छे नहीं आते थे। अभी भी उतने अच्छे व्यू नहीं आ रहे, इतना डॉलर नहीं बन रहा, बट हाँ इतना है कि मतलब अर्निंग आ गई, फर्स्ट सैलरी तो ठीक ठाक ही है। फिर हाँ, फिर मेरा पिन के हमें अप्लाई कर दिया, जब मेरे $10 हो गए तो। बट पिन आने में मेरे चार महीने लग गए। हाँ, 4 महीने के बाद मतलब मेरा पिन नहीं आ रहा था। 3 बार अप्लाई जो होता है, 3 बार अप्लाई कर दिया था, 4थी बार करने ही वाले थे हम लोग, तो मेरा दो जगह से पिन आ गया। तो बस पिन आने के बाद फिर आपको पता है कि सैलरी आती है जब हमारे $100 हो जाते हैं। अगर $100 आपके कंप्लीट हो गए उस डेट को, तो आपकी सैलरी आ जाएगी। और अगर मतलब इस महीने आपके $100 नहीं हुए, कुछ कम रह गए, तो नेक्स्ट मंथ और ऐड करके, फिर अब आपके नेक्स्ट मंथ जितने आपने अर्निंग करी है, $10 और $15 और इस टाइप से, तो आपके टोटल जितने डॉलर होंगे उस डेट को, आपके उतने के उतना अमाउंट आपका जोड़कर आ जाएगा। तो मैं बताती हूँ कि मेरा सपोर्ट किसने अभी तक जो किया है, और बहुत ज़्यादा किया है, तो सबसे पहले है मेरे हस्बैंड। क्योंकि मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, बट अभी आधी चीज़ें मैंने नहीं सीखी है, तो वो सारा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने। मैं बहुत डिमोटिवेट जल्दी हो जाती थी काफ़ी टाइम, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, कितनी बार मैं छोड़ दूँगी, ये है वो है। फिर बोलते थे तुम्हारी मर्ज़ी, बट देखो पीछे मुड़ के मत देखो, इसमें कोई मतलब हर किसी को देखो कि हर कोई कर रहा है ना। फिर ऐसे करके उन्होंने भी सपोर्ट किया। और सबसे मेन होता है हस्बैंड। अगर हस्बैंड एक बार मुझे अगर डीमोटिवेट कर देते, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया एक बार भी। दूसरे नंबर पे है मेरी बहन, वो तो खैर पहले नंबर पे बोली है, दूसरे नंबर पर वो तो हमेशा मेरे साथ ही खड़ी रही है, और बहुत सपोर्ट किया है उसने। उसके बाद है YouTube के फ्रेंड को, जिनका चैनल है, उसमें है अमृता दीदी हैं, कर्नल ब्लॉगर करके हैं, करनाल ब्लॉगर। उनसे तो मैंने कितनी बार फ़ोन पे बोला, दीदी अब नहीं होता, अब मैं नहीं डालूंगी वीडियो का। मैंने 2-3 बार वीडियो डालना छोड़ भी दिया था 2-3 दिन तक, तो उन्होंने खुद कॉल किया और बोला कि सोना तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। मैंने बोला थी मन नहीं करता, ऐसे ऐसे होता है, तो कह रही कोई बात नहीं तुम डालो वीडियो। फिर उन दीदी को तो थैंक यू बोलती हूँ दी आपको, जो आपने इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब मोटिवेट किया मुझे। और फिर है सरोज दी, हिमाचल की जो है वो है सरोज दी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे अभी तक।
और फिर मेरी फ्रेंड है शुरू और धनवी, जो कि चैनल का नाम है एमपी ब्लॉगर धनवी, और शुरू है समर्थ बेबी ब्लॉग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, बस ऐसे कुछ लोगों का नाम बस मुझे ध्यान में अभी है तो मैंने बोल दिया। जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, तो उनका दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे अच्छी अच्छी बस बातें बताते रहिए, क्योंकि ये सारे फ्रेंड ऐसे हैं ना कि मेरे वीडियो में अगर ज़रा सी भी कमी होती है तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारे वीडियो में यहाँ पर ये कमी है, तुम इसको सुधारो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो आपको ये गलती को बता रहा है ना, तो वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे सच्चा दोस्त है, क्योंकि वो चाहता है कि वो आप आगे बढ़ो और आप अच्छा करो। कुछ लोग होते हैं मुंह पे बोल देते, तारीफ कर देते, नहीं बहुत अच्छा है, चाहे आप अच्छा बेशक ना कर रहे हो लेकिन कहते नहीं बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड हैं जो ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोलती हैं, तो मुझे इस चीज़ के लिए मुझे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी इतने प्यारे प्यारे यूट्यूब पे फ्रेंड हैं। तो थैंक यू तुम सबका, आप लोगों का दिल से थैंक यू। और मैं चाहती थी कि मैं यूट्यूब अर्निंग आएगी तो फर्स्ट अर्निंग, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ सोच रखा था मैंने। बट अगर इस बार नहीं तो अगली बार जब भी मेरी अच्छी सी अर्निंग आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँगी, जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मुझे अभी अर्न की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि पता है लॉकडाउन की वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है और फिर मैं गाँव में शिफ्ट हो गई हूँ। तो आप समझ सकते हैं इस टाइम पर अभी हमारा कोई भी काम नहीं है, जो कि हमारा घर चलाने के लिए इस टाइम पे हम बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल खाली है। तो इस टाइम पे जो कहते हैं ना, एक मतलब में डूबते को तिनके का सहारा, तो वही जो मेरी अर्निंग आई है, बेशक कम है लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं दिल से फिर से थैंक यू बोलती हूँ जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मुझे मेरी अर्निंग आ चुकी है। तो एग्जैक्ट अर्निंग तो पता ही आपको कि नहीं बता यहाँ पर यूट्यूब पर कि हमारी इतनी अर्निंग आई है, बट ठीक ठाक अर्निंग मेरी आ गई है। तो मेरी इतने, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी अगर कम भी अर्निंग है तो मैं ये चाहती हूँ कि बस ज़्यादा कुछ ना, तो बस अपने बच्चे को ना एक मैं अच्छे से एजुकेशन दे पाऊँ अपनी अर्निंग से, जब तक कि अभी मेरे हस्बैंड किसी दूसरे काम, मतलब हस्बैंड अभी जॉब जब छूट गई उनकी, तो जब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं कर लेते, वो सेटल नहीं हो जाते हैं, बस मैं अपने बच्चे की जो अभी इसकी पढ़ाई बिल्कुल रुकी हुई है और वो भी सिर्फ पैसों की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए। तो बस इसलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। एक एक दिन में आपने देखा होगा मैं तीन तीन वीडियो डालती हूँ, मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब होती है, कल से मेरी तबीयत ख़राब है। मैं दवाई लेकर अभी पैरासीटामोल लेने के बाद मैं उठी हूँ और काम वाम किया घर का, नहाई हूँ, फिर मैं वीडियो बनाने आने लग गई हूँ। क्योंकि जब जिसे सच में ज़रूरत होती है ना, तो उसे अपनी तबीयत और कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस लगता है एक जुनून होता है ना कि नहीं मुझे करना है, अगर आज नहीं करूँ तो मेरी एक दिन की जो होती है ना, एक दिन की सैलरी कट जाएगी, जो एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो एक दिन सैलरी, बस वो वाला सीन है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं अपने आप को ना देखते हुए, अपने अपने आप अपनी केयर ना करते हुए मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि बस मेरा बच्चा का जो एजुकेशन जैसा चल रहा था पहले, मैं वैसा फिर से शुरू हो जाए। तो हाँ, ये है कि मेरी अर्निंग अब इतनी आ रही है कि अपने बच्चे को मैं किसी अच्छे से स्कूल में इसकी अच्छी सी मतलब मंथली फ़ी मैं पे कर पाऊँगी और अच्छे से मैं इसको पढ़ा सकती हूँ। इतनी मेरी अर्निंग आ रही है अभी, तो फ़िलहाल आ रही है, आगे का कुछ नहीं पता। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को, बहुत लंबा हो गया मेरा वीडियो, आप लोगों का दिल से थैंक यू। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मेरा जो ये वीडियो है ना, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिएगा। मैं दिल से बोल रही हूँ, आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।